हक्का के बिना ये लाए हुसैन। इनमें खड्डा करने वाली इस खातून का ताल्लुक एक ऐसे गांव से है जहां बारिशों की वजह से कुएं गंदे पानी से भर गए हैं और लोग पीने के पानी के लिए भी मोहताज हो गए हैं। जरूरत ईजाद की माँ है। इस खातून ने जमीन खोदी और पानी जमा करना शुरू कर दिया। थरपारकर के दूर उफ्तादा इलाके में चूंकि 6 घंटों में 7 इंच बारिश बरसी, जिसके नतीजे में जमीन ने तो पानी पिया लेकिन कुएं के पानी को खराब कर दिया। जेर जमीन पानी को निकालने के लिए इस खातून और इलाके की दूसरी खवातीन को जद्दोजहद करना पड़ रही है। वो अपने घरानों की इससे ज्यादा और क्या खिदमत कर सकती हैं। ये पानी पीने के काबिल है जो एक शख्स ने पी कर भी दिखाया। बुनियादी तौर पर यह जिम्मेदारी हुकूमत और उसके महकमे बल्दियात और महकमे आपाशी की है कि वो लोगों को पीने का साफ पानी फराहम करे, लेकिन रेगिस्तानी जिले में तो न कोई हुकूमत है और न कोई अवाम का पुरसाने हाल।